हरे कृष्णा। आज हम तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। इति दृक् सलीला वि आनंद कुंज भी आएंगे, सब लोग बताए टायर्ड रहेंगे थके हुए। थोड़ा देर क्योंकि ये कल हमारे आप ही लोग बताएंगे की जाए। वो लोग तो बहुत सारे लोगों को करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मोटिवेशन है। ग्रुप में डाल देता ना फोटो। अभी ने एक माता जी को मैं माता जी पर्सनली भेजनी थी। मैं डाल दूंगा लोगों को। हरे कृष्णा। तो कल हमने दूसरे श्लोक पर चर्चा किया था। किसी कुछ याद है कल से? कल कभी हमने रस कुंडल के बारे में बात किया था। कल हमने बात किया था दूसरे श्लोक पे। लोदंतम मूलमे त्रिग्मम मज्जन्तम करम भोजेग्मे साकं कनित्रम दानोदरम भक्ति बंधन। भगवान के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देख रहा जितना जितना लीला अंदर जाएगा उतना उतना जगह का भी ढेर रहेगा। माता को यार भगवान को पकड़ने में इतना मेहनत कर रही है तो हम लोग को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना। तो कल हम बात किए थे कि भगवान किस तरह से रोए, विमान को पकड़ा और वो उधर ही है टेबल पे पड़े। वो ब्लैक पाउच तो भगवान को जब माता ने पकड़ लिया तो बार बार सांस ले लेके और इतना भय प्रकट कर रहे हैं। आपने देखा ना फोटो में, अगर गौर से देखेंगे भगवान की आंखों में एकदम से आतंकित हैं, एकदम से डरे हुए हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है, माँ भी पीटेगी। तो वो भगवान उस तरह की लीला प्रकट कर रहे हैं और उनकी सांसें बहुत तेज चल रही है, कांप रहे हैं डर के मारे। तो कल भगवान की सांस के बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि एक सांस में क्या क्या हो जाता है। लेकिन यहाँ माता यशोदा के डर से भगवान ऐसी लीला प्रकट कर रहे हैं कि डरे हुए हैं। वही भगवान जिससे काल महाकाल भी डरता है, मृत्यु भी डरती है। मृत्यु और मृत्यु जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह देव प्रहलादेश जय पद्मा पद्मा वृंदम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्युम। मृत्यु भी जिससे डरे, महाकाल जिससे डरे, यमराज जिसके दास हैं, सारी दुनिया किसी से डरे न डरे यमराज से सब डरते हैं। यम के भय से सभी डरे हुए और वो यमराज किसके कहने पे सब कुछ करते हैं? इन्हीं कृष्ण।
और ये कृष्णाल डरे हुए हैं कि माँ मारेगी, मैया पीट सकती है, डरे हुए बिल्कुल। यही दामोदर लीला का बेस है। और माया क्यों पकड़ना चाहती है, क्यों दंड देना चाहती है, माँ भगवान को दंड देना चाहती है। क्यों? ताकि भगवान आगे चल के गलतियां ना करें। भगवान कौन है? पूर्ण भगवान जब राम बन गया थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी वो हर काम बिल्कुल सही करते हैं, कहाँ पे क्या जरूरत है वही काम करते हैं, किसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है ना, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बोलते हैं कि हर काम कैसे करना है भगवान को पता है। पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, शरण में आए हुए के प्रति क्या कर्तव्य है। और आज उनको माँ ये सिखा रही है कि गलत काम नहीं करना, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और माँ उनको क्यों दंड दे रही है, माँ दंड देना चाह रही है कि ये बिगड़ ना जाए, अच्छा व्यक्ति बने। वो है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम होने का सबसे जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड तो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम, लेकिन आज माँ उनको डांट रही है कि ये गलत लड़का ना बन जाए, बड़ा होकर बिगड़ ना जाए। तो ये कल हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आज तीसरे श्लोक में हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा की थी भगवान लास्ट लाइन था दामोदरम भक्ति बद्धम, भगवान दामोदर मैंने रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो रस्सी से नहीं बंधे बल्कि भक्ति बद्धम, वो भक्त की यशोदा माता की भक्ति से बंधे, प्रेम से बंधे। फिर इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, भगवान ब्रह्मा जी के हैं 50 गुण, ठीक है, 50 क्वालिटीज ब्रह्मा जी के पास हैं, और यही 50 गुण या लक्षण जो है हर जीवात्मा में एक माइन्यूट पोर्शन में प्रकट होते हैं। माइन्यूट पोर्शन कैसे बोलेंगे, एक अंश के रूप में प्रकट होते हैं जीवात्मा में, यही 50 गुण हैं ब्रह्मा जी में, ये 50 गुण हैं, और ब्रह्मा जी में ये सबसे ज़्यादा हैं। तो जीवात्माओं में थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, तो जीवात्माओं में यही 50 गुण अंश के रूप में थोड़ा थोड़ा सा है ना, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो हम लोग भी कुछ ना कुछ तो क्रिएट करते रहते हैं थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से ब्रह्मा जी में 50 गुण, और वही 50 गुण जीवात्माओं में है पर बहुत कम कम मात्रा में, और ब्रह्मा जी से 5 गुण ज़्यादा हैं किसमें, शिव जी में, और शिव जी से 5 गुण ज़्यादा हैं नारायण में, तो कितने हो गए 60। तो सबसे ज़्यादा गुण जो है वो किसमें हैं, नारायण में, कितने 60, और 60 से भी ज़्यादा जो है प्रभु जी को तो पता ही है, वो 4 एक्स्ट्रा हैं किसमें, कृष्ण में, इसीलिए वो सुप्रीम है क्योंकि उनमें 64 गुण है, 64 गुण किसी में भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं 64 कलाओं से पूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्यों बोले कि पूर्ण है, 64 गुण वहां पे पूर्ण हो गए,
तो ये चार गुण हैं एक्स्ट्रा, ये क्या क्या हैं? रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी और लीला माधुरी, ये भक्त माधुरी। जो लीला माधुरी है, वेणु माधुरी गाने भगवान फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वो नारायण नहीं बजाते, नारायण फ्लूट नहीं बजाते, ना शंकर जी बजाते हैं, शंकर जी डमरू बजाते हैं। तो ये बांसुरी की महिमा बहुत ज़्यादा है, भागवत में वेणु गीत करके पूरा गीत है ना, बांसुरी भगवान कभी भी नहीं छोड़ते, कभी भी ना? या तो वो यहाँ लगाए होंगे या बजा रहे होंगे या कैसे भी करके। गोपियों को सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि हम तो इतना कुछ करने के बावजूद भी कृष्ण के अधरों तक पहुँच नहीं पा रहे, और ये बांसुरी पूरा टाइम, और ये बांसुरी इतना पावरफुल है कि इनको एक पैर पे इतनी देर तक खड़ा करे रखती है, कितना कष्ट देती है। ये तो वेणु माधुरी, और जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी वो ऐसी बांसुरी है कि भगवान उसको अलग अलग तरीके से बजाते हैं। जब उन्हें गायों को बुलाना है तो एक धुन बजाएंगे तो उस धुन से गायें आ जाएंगी, जब गोपियों को बुलाना है तो एक धुन बजाएंगे, जब ग्वाल बालों को बुलाना है तो अलग धुन बजाएंगे। तो गोपियाँ इस बांसुरी के खिलाफ हैं, हमेशा इस प्लान में रहती हैं कि इसको कैसे करके निकाला जाए यहाँ से। और वेणु माधुरी, फिर रूप माधुरी, श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशं, भगवान का जो रूप है, अब उसके कारण क्या कहें, जिसकी इतनी गर्लफ्रेंड हो तो उसका रूप अच्छा ही होगा है भाई। तो उनका रूप इतना सुंदर है कि मतलब लक्ष्मी भी उन पे आकर्षित है, सभी लोग भगवान शंकर भगवान का रूप देखने के लिए माता से विनती करते हैं, है ना, साधु देश में आके वृंदावन में गोकुल में। और फिर है प्रेमना प्रेम माधुरी, है ना, जो भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, है ना, वैसा कोई नहीं करता। और लीला माधुरी, लीला भगवान अपने भक्तों के साथ अजीब अजीब लीलाएं करते हैं, एक लीला तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बहुत सारी अजीब अजीब लीलाएं भगवान करते हैं। और भक्त के प्रेम से, भक्त वश्यता शब्द भागवतम में आ रहा है कि भगवान भक्तों के प्रेम, प्रेम वश्यता, भक्त वश्यता, भृत्य वश्यता, भक्तिबद्धम भक्तैर्जितत्वम, अगेन बार बार वही शब्द अलग अलग तरीके से आ रहा है, भक्तिबद्धम भक्ति के द्वारा बंधे हैं, भक्तैर्जितत्वम आगे के श्लोक में भक्ति के द्वारा जो जीते गए हैं, नहीं तो उन्हें रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, कंस जैसे बड़े बड़े महारथी उनको जीत नहीं पाए। लेकिन यहाँ हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, श्री रामा ने कब माना कि यही कृष्ण, जब हरा दिया, भक्त जीतत्व, भक्तों के वश में है। तो यही दिखाने के लिए कि मैं किस तरीके से भक्तों के वश में हूँ, ये सिद्ध करने के लिए दामोदर लीला, यशोदा माता की भक्ति और प्रेम से मैं पूरी तरह से बंध गया हूँ। इतिदिक स्वलीला, स्वलीला, इतिदिक स्वलीला भी का अर्थ है कि भगवान भक्तों के वश में आकर लीलाएं करते हैं, जैसे भक्तों को प्रसन्नता हो वैसी लीलाएं करते हैं। और इतिदिक स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्या, स्वघोषम भगवान, स्वघोषम माने जो उनके गोकुल के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनको अपनी लीला करके आनंद, स्वघोषम निमज्जन्तम इतिदिक स्वलीला भी आनंद, आनंद के कुंड में अपनी लीला करके अपने भक्तों को पूरी तरीके से निमग्न रखते हैं, निमग्न समझ रहे, पूरी तरह से वो आनंद में डूबा रहता है भक्त भगवान की लीलाओं के सुनने से या उनकी कथा करने से। और जो लीला में जो भाग ले रहे हैं भक्त, वो तो पूरी तरीके से आनंद में निमग्न रहते हैं।
इतिद्रिक स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन तो माने पूरी तरह से निमग्न है। स्वघोषम ये उनके परिवार के बारे में अपना गोकुल और गोकुल के जो और जो उनके परिजन रहते हैं ग्वाल वाल हैं सब हैं। तो घोष शब्द का अर्थ होता है कीर्ति है ना। तो भगवान स्व माने दो अर्थ है, एक तो वो स्वयं स्वघोषम तो घोष माने कीर्ति और स्व के दो अर्थ हैं स्वस्य और स्वानाम। स्वस्य माने अपनी और अपने संबंधियों की जो गोप गोपियां हैं फ्रेंड हैं उनकी कीर्ति को देख के भगवान को आनंद आता है। दो अर्थ क्या हुए कि एक तो भगवान को जब वो लीला करते हैं तो उनके भक्तों को आनंद आता है, फिर उस आनंद को देख के भगवान को आनंद आता है। तो एक दूसरे के आनंद के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। जब ग्वाल वालों ने सोचा कि ये जो ताल का वन है ताल वन इसके जो फल हैं ये कृष्ण बलराम तो खा ही नहीं रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है, तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि भाई आप चलो आपके लिए बहुत बढ़िया फल है ताल के वहाँ पे जाके खाओ तो कृष्ण बलराम क्यों जाएंगे। तो इन्होंने ना घुमा के बोला। अब ये ग्वाल वाल क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कृष्ण बलराम उस फल को खाएं, क्योंकि फल भक्त हमेशा चाहता है कि जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो किसको दी जाए भगवान। तो अब ग्वाल वाल चाहते हैं कि ताल के जो वन के जो फल हैं ये भगवान खाएं, लेकिन भगवान तो उनको तो ऐसी कोई कामना है नहीं। अब भक्त तो चाहते हैं कि खाएं, तो इन्होंने ना उल्टा बोला, इन्होंने कहा ना हमें यहाँ पे एक तालवन है उसमें इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल हैं लेकिन वहाँ पे हम जा नहीं सकते, हम खा नहीं सकते। तो भगवान ने कहा अरे मेरे फ्रेंड होके इनको इस बात का दुख है कि एक हमारे यहाँ के फल नहीं खा सकते, चलो। तो भगवान गए। तो भगवान क्या चाहते हैं कि भक्तों को आनंद मिले, और भक्त क्या चाहता है भगवान को आनंद मिले। तो भगवान जाके वहां पे तालवन में जाके लीला किए कृष्ण बलराम ने। तो भगवान की दामोदर लीला गोकुल महावन में हुई है। गोकुल में भगवान 3.5 साल रहे, 3 साल 4 महीने। उसके बाद वृंदावन में छठीगरा में रहे, छठीगरा जो हमारा आश्रम है ना। और उसके बाद 3 साल 4 महीने भगवान डीग, फिर काम्यवन और फाइनली जाके भगवान नंदगांव में नंदबाबा वहाँ पे फाइनली सेटल हुए। तो ये जो दामोदर लीला हुई उसके अगले दिन ही वो गोकुल महावन छोड़ के जाने का प्लान किए हैं, क्योंकि उनको लगा ये रोज ही कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता है। जो नल कुबेर मणिगिरी के जो दो वृक्ष गिरे तो उनका उपनंद जी ने कहा नहीं अब तो यहाँ से जाना पड़ेगा, कभी पूतना कभी तृणा व्रत कभी ये कभी वो, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस समय दिवाली वाला दिन था, गोवर्धन पूजा तो उस समय शुरू हुई नहीं थी कि होगी तो गोवर्धन पूजा के एक दिन पहले की बात है। तो पिछले जितना पार्ट हो गया ना तो उसमें माता ने दही मथ रही थी, भगवान आए दही की हांडी पकड़ी वो मथानी पकड़ के रोक दिया ना, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भगवान ने यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि भगवान ने मथानी को क्यों रोका, दही मथ रही थी मैया उसको रोका क्यों। तो एक आचार्य कहते हैं कि निर्मंथम निर्मंथनम शब्द आ रहा है ना, तो निर्मंथन का एक अर्थ तो है हरे कृष्णा, निर्मंथन का एक अर्थ है कि माँ दही मथ रही थी ना। जब दही मथा जाएगा मथने से क्या होता है, तो किसी चीज को मथेंगे तो उसका जो सार है वो निकल के आता है। तो इसी मंथन को और भी जगह यूज होता है यही शब्द, जैसे जो ज्ञानी लोग हैं ना जो शास्त्रों का मंथन करते रहते हैं, वेदों का पुराणों का मंथन करते रहते हैं,
और उस मंथन को करने के बाद उन्हें वो मक्खन रूपी सार मिलता है ना। वेदैश्च सर्वम अहमेव वेदे, सारे वेदों को समझने के बाद को मैं ही जानने योग्य हूँ, कृष्ण गीता में कह रहे हैं। यानी कि समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार क्या है? कृष्ण। तो भगवान उस मथानी को रोक के मैया से कह रहे हैं कि जो कुछ भी मंथन की विधि है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका सार तो मैं हूँ। वेदैश्च सर्वम् वेदे, पूरा मथने के बाद जो सार मिलना है वो मैं हूँ, और मैं तो तुम्हारे पास ऑलरेडी हूँ, तो फिर फालतू मेहनत क्यों कर रही तुम, है ना। तो भगवान इस तरीके से माँ की वो जो मथानी है उसको दामोदर लीला में इतने ज़्यादा टीका दिए हैं आचार्यों ने, एक एक चीज पे बहुत सारे टीका है। एक जगह ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये जो माता यशोदा हैं या जो ब्रजवासी हैं, आप जो आपकी शरण में आता है आप उसको कुछ ना कुछ देते हो, है ना। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कह रहे हैं कि आप इन ब्रजवासियों को क्या दे सकते हो, क्या दे सकते हो इनको, इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ आपके सेवा में लगा दिया है, मतलब ये सब कुछ भूल के सारे ब्रज, एक्चुअली ब्रजवासी, ब्रज शब्द का अर्थ यही है कि जो कृष्ण की इच्छा के हिसाब से चल रहे हैं, कि इन ब्रजवासियों को आप दे क्या सकते हो, मतलब आप इनके किए हुए, इनके द्वारा दिए हुए प्रेम को आप बदले में कुछ नहीं दे सकते, इसलिए वो भक्त वशता आ रही है कि भक्त के वश में भगवान पूरी तरीके से। तो पंजाबी खाना थोड़ा हैवी हो रहा है, हमारे बाबू जी की खांसी है, खाने से पहले कहेंगे मैं आज थोड़ा खाऊंगा, बाबू जी को इंडियन फूड की तरह से लगता है कि बाबू जी खाने के बाद कितना ज्यादा हो गया है। तो भगवान माता यशोदा जब दूध का बर्तन, जो दूध उबल रहा था उसको जब बचाने गई हैं, तो कोई ये पूछ सकता है कि नंद बाबा के तो 9 लाख गाय थी, तो कितना दूध होता होगा, कितना घी होता होगा, कितना मक्खन होता होगा, उसमें एक आध लीटर 2 लीटर बह भी गया तो इतना क्या नुकसान की, क्योंकि माता यशोदा का गुणगान हो रहा है कि वो भगवान अपने पुत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे जरा सा दूध बचाने के लिए वो अपने पुत्र को साइड में रख दिया, जो कि अभी जिसका पेट भरा नहीं था, और दूध बचाने के, तो ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि वो कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं? क्यों भगवान, जैसे भगवान की आनंद के लिए सब होता है, यहाँ तक कि जो राक्षस भी हैं जो जो भगवान को जैसे पूतना है या मुस्टिक चाणूर मथुरा में जो लड़ाई हुई, तो सब क्यों होता है, क्योंकि भगवान ऐसी लीला करते हैं कि कोई तो लड़े मेरे से, है ना। भगवान को एक्चुअली में सारे रस चाहिए, है ना, भगवान को सारे रस चाहिए, ऐसा नहीं कि अब ऊपर बैठे हैं तो सब लोग दास भाव में ही आते हैं, तो कोई डांटने वाला भी तो चाहिए, कि डांटने में जो डांट खाने में जो आनंद है वो नहीं मिल रहा ना, है, और लड़ाई लड़ने का, अब सब भगवान इनसे कौन लड़े जाए, वैसे रिजल्ट तो मालूम है मरना ही है, तो वो भगवान ऐसे लीला करते हैं कि कुछ लोगों को लगे कि मैं इससे जीत सकता हूँ, तो लड़ते हैं, तो कुछ भगवान को मारते हैं, कुछ पीटते हैं, देखा बरादेव का जो 33 स्कंद में पढ़ेंगे, तो जो बरादेव की लड़ाई हो रही है किससे, हिरण्याक्ष से, तो हिरण्याक्ष कई, वो इतना बढ़िया स्टेडियम लगा हुआ है, जैसे वो रेसलिंग होती है ना वैसे ही भागवतों में वर्णन है, बीच में हो रही है लड़ाई, दो बड़े बड़े लोग है ना, हिरण्याक्ष और वरादेव, बीच में हो रही है लड़ाई, और सारे देवी देवता पवेलियन में बैठ के ना देख रहे हैं, तो जैसे ही कुछ होता है तो
उसने ना एक मारा भगवान को सारे देवता को। उसने एक बार भागवत में वर्णन आ रहा है, उसने एक बार अपनी गदा ऐसे घुमा के भगवान को मारी है, भगवान का गदा छूट गया, सारे देवता। फिर भगवान उठते हैं, फिर वो मारते हैं, फिर भगवान ने मारा तो उसका गदा कई दूर गिरा, चलो सिक्सर है ना। तो इस तरीके से वहां पे ये भगवान ने ऐसी लीला क्यों करी, भगवान भी फाइटिंग स्पिरिट में एंजॉय करना चाहते हैं, कोई उनसे लड़े, इसलिए सब अक्षस लोग सब दैत्य लोग आके भगवान से लड़ते हैं। तो अब कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, प्रश्न कर सकता है कि भाई मुष्टिक चाणूर ये लोग भी तो लड़के भगवान को आनंद दे रहे हैं ना, और क्योंकि बात आनंद की चल रही ना, क्योंकि देख सो बताए ना यहाँ पे तात्पर्य आ रहा है कि कृष्ण भक्तों को आनंद दे के खुश हैं और भक्त कृष्ण को, तो यहाँ पे राक्षस लोग भी तो आनंद दे रहे हैं फाइटिंग में, भगवान चाहते हैं कि कोई फाइट करे और वो दे रहे हैं उनको आनंद फाइटिंग का। तो माता यशोदा और यहाँ तक कि वो तो पूरी तरीके से माता यशोदा तो छोड़ के गई, भगवान यहाँ क्रोधित भी हो रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि मैं तो असंतुष्ट रह गया, लेकिन जो लड़ने वाले राक्षस हैं वो तो बिल्कुल असंतुष्ट नहीं रहने दे रहे भगवान को, पूरा फाइटिंग स्पिरिट दे रहे हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कैसा माता करते हैं, तो इससे अच्छा तो मैं भी, मेरी भी प्रेरणा चाणूर मुष्टिक और हिरण्य छेलु हो सकते हो, मैं भी भगवान से लड़ने का प्लान बनाता हूँ। यहाँ भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान का नाम भगवान देखते हैं आपकी इंटेंशन, सवई पुंसा करो धर्म यथो भक्ति अधोक्षते अहेतु अप्रतीता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। भक्ति में ये जो भी आप काम भगवान के लिए करेंगे उसमें भगवान आपकी इंटेंशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं लेकिन इस इंटेंशन से नहीं लड़ रहे हैं कि हम इस लड़ाई लड़के भगवान को प्रसन्नता देंगे, ये भाव तो नहीं है, नहीं समझ रहा है, टेक्निकल हो गया। उनको ये माता यशोदा ने भगवान को साइड में बिठा के दूध को बचाने गए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कोई साधारण दूध नहीं है कि किसी भी 9 लाख में से किसी भी गाय का, ये स्पेशल गाय का निकाला हुआ स्पेशल दूध है। जैसे इंडियन मदर्स कहते हैं कि दूध उबल जाए तो बेटे की आयु कम होती है, जो भारतीय लोग बोलते हैं, मैंने देखा ये भी पढ़ा कि उसलिए दूध उबलना अच्छा नहीं माना जाता हिंदू संस्कृति, जो मैंने पढ़ा है हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा मैं तो इससे बोल रहा हूँ, मेरा अपना तो है नहीं। पर अभी जो आचार्य को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं लिखे, हो सकता है कहीं और लिखा हो, मैंने नहीं पढ़ा हो, मैंने कह रहा कि मेरा संपूर्ण है, ऐसा भी हो सकता है। मैंने बताया ना बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारी टीकाएं दी हर एक, तो माता ने तो इसलिए बिठा दिया कि कृष्ण, अब माता को भी जब भगवान कृष्ण स्तनपान कर रहे थे माता को भी आनंद आ रहा था, और उस आनंद को रोक के माता गई है अपने आनंद को रोक के कि कृष्ण की खुशी के लिए वो दूध को बचाना है। तो माता का भाव क्या है और उन राक्षसों और दैत्यों का भाव क्या है इसमें ही भेद है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है भक्ति कैसे करनी चाहिए, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, भक्ति कृष्ण की हिसाब से होनी है कि अनुकूल, कोई पूछता क्या करें भक्ति में, ये करें कि वो ना करें, वेजिटेरियन बने कि ना बने, क्या है, सिंपल है, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जिता, जो चीजें कृष्ण की तरफ ले जाए उनको स्वीकार करो, जो नहीं ले जाए उनको छोड़ दो, झंझट खत्म, यहाँ सीधा सीधा फंदा है। अब मैं ये जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या था आप देखो इस ये एक्टिविटी करूं कि नहीं करूं, आप देखो कि इस काम को करने से आपका कृष्ण के प्रति भाव प्रेम बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है कि नहीं। अगर गणपति की पूजा करने से आपको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का कुछ मिल रहा है तो आप करो, नहीं मिल रहा है तो फिर
पॉइंट ये है अनुकूल न संकल्प, जो कृष्ण भक्ति में कृष्ण की तरफ आगे जाने में जो अनुकूल चीजें हैं उनको स्वीकार कीजिए और जो नहीं अनुकूल है उनका वर्जित है। अभी एकादशी करना है, निर्जल एकादशी करना है, लेकिन निर्जल एकादशी करने के बाद मेरे को तो माला उठाने की भी शक्ति नहीं है, ऐसे निर्जल एकादशी क्या फायदा। जो अनुकूल है वो कीजिए, जो प्रतिकूल है वो वर्जित है। दूसरा एक और कारण आचार्य ने दिया है कि अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, माता पिता हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है सही काम करें, सही चीज सीखें और जो हमारा घर का कारोबार है उसको आगे बढ़ाएं, इस कारोबार को अच्छे से समझें, घर की चीजों की देखभाल करना सीखें, है ना। माता पिता हमेशा यही चाहते हैं, है ना, इसलिए वो बच्चों को कई बार ऐसी ऐसी चीजें सिखाते हैं, उसमें बच्चों को लगता है कि यार ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्यों हमेशा डांटते रहते हैं, है ना। तो लेकिन माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखें, बड़े होकर गड़बड़ ना करें। तो माँ अब नंद महाराज का तो यही कारोबार है, गाँव का, दूध का, मक्खन का। तो माता ये सिखाना चाह रही है कृष्ण को कि भले हमारे पास इतना कुछ है लेकिन एक लीटर दूध भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे पास हमारे बाप के पास बहुत पैसा है, एक आध लाख इधर उधर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। वो एक टी शर्ट आती है माई डैड इज एन ATM करके, है। तो माता यहाँ पे सिखा रही है कि कैसे अपने घर की चीजों का ख्याल करना चाहिए। तो माता कहती है मैं पर्सनली सिखाऊंगी। माता यशोदा अब दूध जो था वो अपने आप उसने देखा कि माँ तो पहले तो दूध ने सोचा कि भगवान तो कृष्ण तो माता यशोदा का स्तन पान करके इनको पेट भरा जा रहा है, मेरा जीवन बेकार है तो मैं आग में कूद के मर जाता हूँ, ऐसे जीवन से क्या फायदा जो कृष्ण की सेवा में न लगे, है ना। तो जब माँ ने देखा कि दूध निकल रहा है तो माँ कृष्ण को बिठा के वहां गई है, तो फिर दूध को अपने आप में शर्म आ रही है कि यार अच्छा खासा मैया तो आनंद में थी, कृष्ण भी आनंद में थे, मेरी वजह से माँ का और कृष्ण का जो आनंद था उसमें विघ्न आ गया, तो दूध को इससे शर्म आई। तो आध्यात्मिक जगत में कुछ भी जड़ नहीं है, सब चेतन। एक बार प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताई इस संदर्भ में कि कैसे आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज को चेतना है। तो वहाँ जनरली क्या होता है कि अब तो पता नहीं, पर पहले माताएं घरों में ऐसे ही काम करती थी, कुछ चढ़ा दिया, चावल पक रहा है, है ना, चावल पकता रहता तो बीच में कुछ करके आ जाती थी और फिर बीच में चेक कर लेती थी, एक दाना लेके उंगली से दबा के नहीं पका, है ना, फिर कुछ करके आ जाएंगे, तो ऐसे ही खाना बनता था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में तो इस तरह से किचन में जाने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर बता रहे हैं। तो माता दूर कहीं होगी कमरे में आंगन में कुछ कर रही होगी तो वहीं से कह सकती चावल पके क्या, तो अभी नहीं पका, वो पता है उसको चेतना है। ये आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में वो चावल वहीं से बताएगा कि अभी नहीं पकाऊंगी, आने की जरूरत नहीं। और ऊपर कहते हैं कि माँ को वहां जानने की भी जरूरत नहीं। तो इसके बाद भगवान ने को गुस्सा आया, भगवान ने मक्खी फोड़ी और ऐसे फोड़ी कि किसी को माता को बिल्कुल पता ना चले। तो फिर जब कल यहाँ तक चर्चा हो गई थी कि भगवान ने माता ने भगवान को बांध दिया, तो उसके पहले जब माता ने उसको कृष्ण को पकड़ा है ना, तो माता सोच रही कि ये यहाँ शब्द आ रहा है तद वीर्य कोविदा, उसके जीव गोस्वामी ने दो तरीके से एक्सप्लेन किया, तद वीर कोविदा और अतद वीर कोविदा, माने एक तो
कि इसको बांधना जरूरी है, क्यों? ये बहुत चंचल बच्चा है, भाग सकता है ना। और दूसरा माता ने दूसरा कारण क्यों बांध रही है, पहला तो हो गया कि बहुत चंचल है तो बांधना है ना, ताकि कुछ सुधरेगा। दूसरा है कि माँ को तो पता ही नहीं कि सर्वव्यापी है, माँ को तो क्या लगता है कि मेरा बेटा है, मान सकती हूँ मेरा है ना। तो जब माँ ने कृष्ण को इस तरीके से पकड़ लिया और डंडा छड़ी भी हाथ में ली थी और पकड़े हुए, तो भगवान बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं, है ना। और फिर भगवान कहते हैं माता से कि मैया छोड़, मुझे प्लीज छोड़ दो, ये बहुत डर लग रहा है। तो भगवान, तो माता कहती है इतना डर लगता है तो मटकी क्यों फोड़ी, है ना। तो वो भगवान बहुत रो रहे हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मगर आज तो नहीं छोड़ेंगे, बहुत कंप्लेन आई है, बहुत आया है ना। माता कहती है कि इसको बांधना जरूरी है, क्यों? एक पहले भी माने उसको, कृष्ण को कई बार वानर बंधु बोला है, एक बार बोला होगा वानर बंधु, माने तुम तो क्या हो, वानरों के सखा हो। तो कृष्ण ने कहा अच्छा मैं वानर बंधु, एक दिन ना वानरों के साथ ही जंगल में निकल जाऊंगा तब पता चलेगा, है ना। तो आज फिर माता ने बोल दिया वानर बंधु, तो माता को लग रहा भाई उस दिन बोला था कि जंगल में चला जाएगा वानरों के साथ ही, आज तो नाराज भी है, है? तो जा सकता है, तो उसको बांधना जरूरी है। फिर आगे माता से कृष्ण से पूछती है कि तू बता मटकी कैसे फोड़ी कैसे, क्योंकि वो मटकी फोड़ने का तरीका बहुत अजीब था, ऐसे होल बनाया उसके अंदर कि वो आवाज भी नहीं आई, पता भी नहीं चला, और आराम से पूरा दही। तो माता कहती मटकी फोड़ी कैसे, कैसे फूटी मटकी, है ना। तो भगवान कहते हैं ये तो कृष्ण, कृष्ण कहते भगवान की लाठी से टूटी, है ना, भगवान की छड़ी से टूट गई, बिल्कुल हाई फिलॉसफी बोल दी भगवान ने, माँ कैसे फूटी मटकी, भगवान की छड़ी से टूटी। अच्छा तो बंदरों को मक्खन किसने खिलाया, अरे जिसने बंदर बनाया उसने खिलाया, मुझे क्या बोला, जिसने वानरों को जन्म दिया, वानर बनाए उसने उनको खिलाया, मैं इसमें क्या करूं, बनाए इन्होंने और खिलाया इन्होंने, लेकिन मैया को क्या पता, मैया को बोले किसने खिलाया, जिसने बनाया वो उसने खिलाया, हमें हमसे क्या पूछ रहे हो। तो माधवी ऐसे नहीं मानेगा और जोर से पूछा कि तुम बताओ रहस्य क्या है, कैसे फूटा दही की मटकी, कैसे फूटी। तो भगवान कहते देखो मैया बिल्कुल सीरियसली फेस बनाया कि बिल्कुल अब की बार सत्य बोल रहा हूँ, भैया तुम्हें तो पता नहीं, तुम ना वो जो दूध उबलने वाला था तो एकदम से तुम भागी हो, तुमने तो मेरा भी ख्याल नहीं करा, एकदम से तुम भागी हो, तो जो तुम्हारी पायल थी वो पायल उस मटके में लग गई ना, उम्र कितनी 3 साल 4 महीने बीमार है ना। तो वह कहते वो तुम जब भागी तो पायल झटके से तुम्हारी पायल वो मटके में लग गई और उसकी वजह से वो फूट गई, मेरी क्या गलती। तो फिर बंदर मक्खन किसने खिलाया, वानर किसने खिलाया, अरे मैया ये वानर ना भगवान की प्रेरणा से ये अंदर घुस गए घर में और ये मक्खन खा रहे थे और मैंने देख लिया, तो मैंने ना इनसे मक्खन बचा रहा था। अब भगवान जी ने तो मैया कही तो भागा क्यों मेरे को देख के, तो मैया मैं तो इनसे बचा रहा था लेकिन तुम्हारा छड़ी देख के ना मुझे वैसे ही डर लगा तो मैं भाग गया, है ना। तो माता कहती है कि तुम चोर हो, चोरी नहीं तुम चोरागर गण्य, तुम चोरों के सरदार हो, तो तुम्हारा खानदान ही चोरों का है ना, और वानर बंधु हो तुम। फिर से कहते अगर मैं बंदर हूं तो मैं चला जाऊंगा जंगल में बंदरों के साथ, फिर तुम्हें पता चलेगा, है ना। फिर माता कहती है कि अब मुझे तुम्हें बांधना ही पड़ेगा, पूरा दिन यहाँ धूप में बंधे रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो
जब माँ उनको बांधने का प्रयास कर रही थी तो वो बंध नहीं रहे थे भगवान, है ना। तो उस समय भगवान चिल्ला रहे थे रो। अब तो इनको लग रहा कि सारे झूठ भी फेल हो गए, माँ तो आज मान ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि अब और क्या पाया। और उस दिन क्या था, सुबह सुबह उपनंद जी के यहाँ कुछ तो प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम में रोहिणी माता और बलराम जी वहाँ गए हुए थे। मतलब जनरली बलराम जी हमेशा साथ में रहते, है ना। तो उस दिन बलराम जी ने देखा, तो अब ये इनने कहा अब तो बचने वाला नहीं हूँ, तो ये चिल्लाते आयो रोहिणी माता किधर गई तुम, ओ बलराम किधर है, देखो आज ये माँ मेरे को बांध रही है। तो वो भी नहीं सुनने वाले क्योंकि वो तो दूसरे यहाँ गए हैं। तो ये चिल्लाना क्या आवाज सुन के और जो गोपियां थी पड़ोस की वो वहां आ गई। तो जब सब गोपियां वहां आई तब गोपी ने देखा चल क्या रहा है, आज तो लग रहा है कृष्ण ने कुछ बहुत ही बड़ा गड़बड़ करी है। अब समझ में आया माता यशोदा, जब हम आते थे कंप्लेन लेके कि भैया आपका बच्चा इतना शैतान है, और हमारे कई बार माताओं को नहीं विश्वास होता कितनी भी गलती करे उन्होंने मेरा राज दुलारा। माँ यशोदा को कभी विश्वास ही नहीं होता था, है ना। माता जब वो कंप्लेन लेके आती थी कि आपके कृष्ण ने हमारे घर से माखन चुराया, तो माता कहती थी अच्छा हमारे घर में माखन की कमी है क्या, हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, हमारे यहाँ कमी है जो तुम्हारे घर से चुराया, क्यों चुराएगा भाई। और कृष्ण भी बीच में चकरा दे के भाग जाते थे, है ना। एक बार एक गोपी ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया माखन चुराते, इन्हें सबको लगा कि वो तो लेट आएगी, वो जल्दी आ गई और उसको पकड़ लिया कृष्ण को। अब आज तो मैया का नहीं चलेगा। गोपी ने सोचा क्योंकि रोज माँ तो कह देती है कि हमारे यहाँ तो माखन की कमी नहीं है, इतनी गाय हैं तो क्यों चुराएगा, तो आज मैं इसको ऐसे ही रंगे हाथों पकड़ के लेके जाऊंगी और माँ को दिखाऊंगी, तब ये सोचा माता को विश्वास होगा। तो भगवान का हाथ उन्होंने पकड़ा और लेके गए। तो कृष्ण कह रहे देखो आज तो ना मुझे छोड़ दो, छोड़ दो नहीं बहुत पछताओ में बता रहा हूँ, तो अरे देखते हैं आज क्या होता है चलो। तो खींचते खींचते लेके गई कृष्ण, और कृष्ण यही बोलते जाए तुम छोड़ दो नहीं देख लेना क्या होगा। और ओ माता ओ मैया यशोदा देखो देखो क्या हुआ, आज ना तुम्हारे लाल को मैंने रंगे हाथों पकड़ा। तो माँ ने सुना ये क्या है, ओ भाई बार क्या हुआ क्या हुआ, आज देखो तुम रोज कहती हो ना कि कोई सबूत नहीं है और हमारा कृष्ण क्यों तुम्हारे यहाँ जाके माखन खाएगा, उसके हमारे घर में थोड़ी ना माखन की कमी है, आज देखो मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई तुम्हारे लाल को। माता ने देखा तो तुम क्या बोल क्या कह रही हो, अरे देखो ना तुम कृष्ण को मैंने बिल्कुल मक्खन खाते हुए पकड़ा अपने घर से, देखो हाथ में भी लग रहा है। माँ एक बार तुम देखो पहले, तो तुम देखो तुम बोल क्या रही हो। तब तो देखा तो वो उसका ही बेटा था, वो गोपी का ही बेटा था। और फिर माता कहते देखो हमारा कृष्ण अंदर बैठ के मक्खन खा रहा है, देखा तो अंदर आराम से भगवान मुस्कुरा रहे हैं और मक्खन खा रहे हैं, तो सामने नहीं आया ये क्या चक्कर है। तो वापस गई बेचारी रास्ते में भी, तो फिर देखा तो फिर कृष्ण, तो देख क्या चक्कर, बोले मैंने बोला था तुम्हें गड़बड़ होगी तुम पछताओगी, और आगे से मेरे को पकड़ा तो इस बार तुम्हारा बेटा बना हूं, आगे से पकड़ा तुम्हारा पति बनूंगा। तो भगवान इस तरह से लीला करके अपने भक्तों को आनंद देते हैं। एक बार एक गोपी ने कृष्ण को घर के अंदर पकड़ लिया, और ये वाला शायद सुना होगा कि ऐसा एक बार हो चुका है, तो उसने नया तरीका सोचा, इस वाले में रिस्क है, तो उसने सोचा हम क्या करेंगे इसको यहीं बांध के जाती हूँ घर के अंदर, है ना, घर के अंदर बांध के जाऊंगी और फिर मैया को बुला के लाऊंगी, तब बिल्कुल पक्का प्रूफ रहेगा। तो ना वही कहाँ बंधेंगे ये, तो बांध रही है बांध रही है, बंध नहीं रहे, परेशान हो गई वो। तो भगवान कहते एक काम करो तुम कभी बांध नहीं सकते मेरे, क्यों, क्योंकि तो तुम्हें मेरे को बांधने का तरीका ही नहीं पता। अच्छा पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कैसे, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि मुझे कैसे बांधा जाता है, आपको पता है। तो वो उसको ही बांध के
ऐसे ऐसे बांधते हैं मुझे, ऐसे बांधते हैं, बांध के हरे कृष्णा, है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है गोकुल में बहुत सारी लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद देते हैं। फिर अगला लाइन है, इति दृक्ष लीला वीर आनंद कुंडे सर्वोसम निमाजांत आख्या पायंतम तदीयेषु तकेषु भक्तिर्जितत्वम्। तदीयेषु तकेषु भक्तिर् आख्या पायंतम, तदीयेषु तकेषु आख्या पायंतम भक्तिर्जितत्वम्। इस लाइन का अर्थ है कि कृष्ण ने वो जो ज्ञानी भक्त है, जिनको भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानकारी है, ज्ञान है ना, कि ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो भ्रम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भाव आ रहा है कि जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जो ज्ञानी भक्त है, उनको यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मैं ज्ञान के रूप से नहीं जीता जा सकता, भक्तर जीतत्व, मैं जो भक्त मार्ग के जो भक्त हैं उनके द्वारा जीता जाएगा। ज्ञानी लोगों को ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा ये ज्ञान से मेरे को नहीं जीत सकते, तुम जान सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते। जीत मुझे कौन सकता है, बांध मुझे कौन सकता है, भक्त जीत। तो भागवतम में वर्णन आ रहा है, दर्श ये तद्विदाम लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम। भगवान भृत्यवश्यता माने भृत्यवान होता है सेवक, तो भगवान अपने सेवकों के बस में रह के बंध भी जाते हैं। और तदीयेषु तज्ञेषु का दूसरा अर्थ है कि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का ये जो सीक्रेट है, रहस्य, ये सिर्फ अपने जो भक्त हैं उनको ही देते हैं। आपने नहीं सुना होगा कभी भी कि आपने भक्त वत्सल शब्द सुना होगा, आपने ज्ञानी वत्सल नहीं सुना होगा, कर्म वत्सल, योग वत्सल, वहां पे प्रेम नहीं है। प्रेम कहाँ है, भक्ति मार्ग में। तो तदीयेषु तज्ञेषु का दूसरा अर्थ है कि श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के रहस्य का उद्घाटन केवल उन्हीं भक्तों के सामने करते हैं जो उनके इस भाव को समझते हैं, जो वैष्णव के प्रभाव को समझते हैं। अब वैष्णव है क्या, वैष्णवता है क्या, भक्ति है क्या, इसको जो जानता ही नहीं है उसको क्या समझ में आएगा कि माता यशोदा की पोजीशन है क्या, उसको नहीं समझ आएगा। उसको दे ही लगेगा कि कैसे बांध दिया, ये क्या तो गलत हो रहा है ना। तो तद विद्वान अपने कृष्ण जो है अपने सेवकों के वशीभूत होने के पूरी तरह से उनके भक्त अपने सेवकों के कंट्रोल में है पूरी तरीके से, और यही बात को सिद्ध करने के लिए दामोदर लीला हो रही है। प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, ऐसे तो शतवृत्त मुनि कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवान हैं उनको मैं प्रेम पूर्वक, क्योंकि वो किसके द्वारा बांधे जा सकते हैं, प्रेम के द्वारा, तो उनको मैं प्रेम पूर्वक, मतलब यहाँ पे जो अब शुरू में तो बोला है नमामि ईश्वर माने ईश्वर, वो ऐश्वर्य भाव में प्रणाम तो किया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि मैं प्रेम पूर्वक प्रणाम कर रहा हूँ। शतावृत्ति वंदे, कितनी बार, शत शत बार उनको प्रेम से प्रणाम कर रहा हूँ। इस तरीके से तीसरा जो श्लोक यहाँ पे। Oh, no.